ओडिशा के बलांगीर जिले से करीबन 60-65 परिवार छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में आकर के बसे हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ 60-70 परिवार बसे हुए हैं। श्रीमती मालती बाई द्वारा बताया गया कि यहाँ पे 20 बच्चों का शादी हो रहा है। इस शादी को फूल ब्याह बोलते हैं और यहाँ पे 0 से 12 वर्ष के बच्चों का विवाह हो रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर समाज में ये फूल ब्याह ना करें तो लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया जाता है और उनके रीति नियम को निभाकर फिर वापस लाकर 18 साल के बाद विवाह किया जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि समाज का एक पूर्वजों से चला आ रहा एक नियम है जो अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। कितना साल हो गया आप लोग को? 7 साल हो गए। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बच्चों का विवाह हो रहा है, तो बच्चों का विवाह किस प्रकार करते हैं आप लोग? किस प्रकार? हम बच्चा लोग के बालकपन से विवाह कर देते हैं। 12 साल होते वो पास से ज्ञान हो जाते तो हम जंगल में बांध देते। जंगल ले कोई छोड़ा के लाते तो घर में जमो कर कपड़ा लत्ता ले करके बस विवाह करके घर में रखन। कैसे शादी करता आप मन? ये जो मड़वा गड़े हैं अभी बच्चा मन के, तो किस प्रकार करता? मड़वा गड़ जाथन, चुरमाटी जाथन, चुरमाटी से मान थापथन, पर्रा बिजना नहा करके मकुत एक करथन। 3 दिन को होते शादी हाड़ा मर्दी रहते नचा के मड़वा ये करथन। तेकर बाद में बच्चा लोग नहा खोरा के तहाँ टिकावन में बैठाथन, 2-4 पैसा टिकथन, जेकर जैसे जूते सब टिकावन में करथन। अगर शादी ला नहीं करिया तब का होही? नहीं हमार में नहीं चले, समाज छोड़ दी। हमार पुरखा के पुरखा रीतु आहे उसने चले है। मैं हूँ वृंदा आजाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।